सो गाइस बात करने वाले हैं फुकरा इंसान एल्विस यादव एंड बिग बॉस के बारे में। और गाइस दो दिन से तबीयत खराब थी इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए माफ कर देना। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस हफ्ते के बॉस मीटर की, जो कि फुकरा इंसान एंड एल्विस यादव के बीच में है। तो एल्विस यादव बॉस मीटर पर 1 लाख से ज्यादा के मार्जिन से लीड कर रहे हैं, क्योंकि जियो सिनेमा के बॉस मीटर वाली पोस्ट के नीचे हैशटैग एल्विस इज द बॉस 7,72,000 बार स्पैम हो चुका है, और वहीं अभिषेक इज द बॉस 6,49,000 बार स्पैम हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन शॉर्ट में देख सकते हो, एल्विस यादव के लिए 20,000 से ज्यादा यूनिक यूजर्स स्पैम कर रहे हैं, वहीं फुकरा इंसान के लिए सिर्फ 8,800 यूजर्स अभी तक स्पैम किए हैं। और साथ ही दिन में ट्विटर पर एल्विस इज द बॉस 9,70,000 ट्वीट्स के साथ ट्रेंड किया। ऑन द अदर हैंड अभिषेक इज द बॉस 7,90,000 ट्वीट्स के साथ ट्रेंड कर रहा था। तो गाइस क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार का बॉस मीटर, कॉमेंट करके जरूर से बताना। सो बात करते हैं बिग बॉस की आखिरी कैप्टेंसी एंड टिकट टू फिनाले टास्क के बारे में। सो एज यू नो बीबी होटल टास्क में पूजा भट्ट फुकरा इंसान को सबसे ज्यादा स्टार्स मिले थे, इसीलिए ये टास्क फुकरा इंसान एंड पूजा भट्ट के बीच था। इस टास्क में गार्डन एरिया में रेंडमली फ्रूट्स गिरते और बाकी के घर वालों को फ्रूट्स इकट्ठा करके अपने फेवरेट कंटेंडर के बास्केट में रखने थे, और दोनों कंटेंडर को एक दूसरे से अपनी बास्केट को प्रोटेक्ट भी करना था। साथ ही बेबिका एंड जिया इस गेम के संचालक थे, और जिया फुकरा इंसान के लिए खेल रही थी और दूसरी तरफ बेबिका पूजा भट्ट के लिए। शुरुआत में बाकी घर वालों को टास्क अच्छे से समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से वो कंटेंडर्स की बास्केट से फ्रूट्स निकाल रहे थे, और इसी वजह से फुकरा इंसान की बास्केट टूट गई थी, क्योंकि जड एंड अविनाश दोनों अग्रेसिवली फ्रूट्स निकाल रहे थे। फिर ये गेम बहुत ज्यादा फिजिकल हो गया, एक जगह अविनाश एंड जड ने फुकरा इंसान को धक्का भी दे दिया, जिसके बाद फुकरा इंसान अविनाश पर भड़क गए और उन्हें 36 साल वाला कॉमेंट दोबारा कर दिया। साथ ही पूजा भट्ट ने फुकरा इंसान के अग्रेसिव होने से और उनके 36 साल वाला कॉमेंट करने पर एतराज जताया। इसके बाद बिग बॉस सही से रूल समझाए और ये टास्क दोबारा कंटिन्यू कराया, और इसके बाद जेड पूजा के रिप्रेजेंटेटिव बने, जिसके बावजूद भी पूजा भट्ट हार गईं और फुकरा इंसान बन गए इस सीजन के लास्ट कैप्टन एंड टिकट टू फिनाले के फर्स्ट फाइनलिस्ट। इसके बाद पूजा भट्ट फुकरा इंसान से कहीं वेल डन बट नॉट वेल प्लेड बिकॉज यू लॉस्ट योर कूल अगेन। सो आपको याद होगा वीकेंड का वार पर थकेश फुकरा इंसान को जिया से वॉर्न करके गए थे। सो फिलहाल जिया फुकरा इंसान को काफी सपोर्ट की है और इस टास्क में भी वो उनकी तरफ से खेली थी, तो जिया फुकरा इंसान को टॉन्ट करते हुए थकेश को रिप्लाई दी, जिया कहीं अभिषेक कैप्टेंसी कैसे मिला आपको, तो अभिषेक कहे एक भली लड़की ने मेरे पे एक और उपकार कर दिया, तो जिया कहीं सुन रहे हो बाहर सारे अभिषेक के दोस्त जो मुझे पता नहीं क्या सोच रहे थे इतने टाइम से, सुन रहे हो ना तुम सब। सो इस पे थकेश भी सार्केस्टिकली ट्वीट कर कहे बाप रे कितना सारा रोस्ट हो गया मेरा। साथ ही जिया फेम ग्रुप में आ गई हैं बिकॉज उनका जड एंड अविनाश से ज्यादा बात नहीं होता। सो इस पे मनीषा कहीं मुझे कोई एतराज नहीं है जिया के आने से, तो फुकरा इंसान बताए जिया का अपनी टीम में रहने से फायदा ही है बिकॉज जल्दी ही जेड इविक्ट हो जाएगा और फिर से नॉमिनेशंस होंगे, तो उसमें फेम ग्रुप का फायदा है और जिया का भी फायदा है। सो गाइस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।